दिल लगी भी तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी भी तेरे दिल को दिल लगी न लगे। Assalamualaikum everyone, Eid Mubarak। और जब मैं तैयार हो जाऊंगी तो मैं आपको फिर से ईद मुबारक कर दूंगी। तो हालात कुछ यूँ हैं कि हम सोए ही नहीं हैं, मैं और अतूफा, एंड सर घूम रहा है बिना सोए, उसमें थोड़ी बहुत एनर्जी है फिर भी। पर अभी अतूफा ने आके मेरे पीछे मेहंदी लगाई है, एंड इस बार रात मैंने खुद लगा ली थी, शबाना के भी लगा दी थी। तो करना यह है कि बहुत सारी सफाई करनी है। पापा भी उठ गए, मतलब अजान हो गई है, बस ईद की नमाज़ के लिए जाएंगे। चाची का फ़ोन आया कि मैं बस जल्दी से सब काम निपटा के आ जाती हूँ, और दवाई खा के 10% फ़र्क पड़ा है। जब ये मेरी नॉर्मल आईज है और ये मेरी स्वॉलन है, तो ये छोटी हो चुकी है। खैर दोबारा दोबारा बता रही हूँ। तो मैं, मतलब समझ नहीं आ रहा मैं तैयार हूँ कि तो मेकअप करूँ कि नहीं करूँ, लेंस लगाना था मुझे, क्या होगा पता नहीं। खैर अभी फटाफट शाही टुकड़ा बनाना है, तो मैंने तो फक बोला एक काम करो तुम, तो थोड़ी सी किचन की सफाई कर दो, एंड मैं आके शाही टुकड़ा बना लेती हूँ। टी शर्ट पहना, पहन तो रखा है, बहुत ज़्यादा वो है मोटी। बताएं मेरे बारे में, बताएं मेरी वो बताएं, मेरी मेहनत मजदूरी बताएं। मेहनत मजदूरी बता दी कि नहीं सोई है, मेरे तो एक ही हाथ में मेहंदी लगाई, मैंने ज़्यादा काम नहीं कराया, घर का काम कर रही है। अम्मी और अदीबा सो गए, अदीबा 3 बजे सोई थी, हम लोग छत पे ही थे, बहुत मज़ा आया रात। पहली बार बहुत सुकून से मैं अपनी स्पेस में बैठी थी, एंड ये मैडम नहीं थी, मुझे लगा था मैं इसके साथ ज़्यादा इंजॉय करूँगी, अदीबा थी, शबाना खैर आ गई थी, तो मज़ा आया। बहुत बुरी ट्रेजेडी हो गई है, मेहंदी लगाना आना कभी कभी बहुत ही गलत हो जाता है। One more thing, मेरी बहन अगर अच्छी लगा करे ना देखने में, तो कृपया करके माशाल्लाह बोल दिया करे, इन्हें नजर लग गई है। ओके हाँ यार, जो भी देख रहे हैं वो यही बोल रहे हैं। खैर बहुत सारे डांट खाने के बाद अम्मी से अतूफा ने फिर भी मेरे ये घंटियाँ वंटियाँ बना दी हैं। ये वाली अतूफा ने लगाई बहुत बढ़िया, सफाई होनी है बहुत सारी, और बज रहे हैं 7। ये चांदी की बाली पहनी है, पता नहीं सूट कर रही है कि नहीं, बहुत ही गंदी हालत में लग रही हूँ मैं, इसलिए ब्लॉग करने मन नहीं कर रहा। और अम्मी ने बहुत ज़्यादा डांट दिया है कि तुमने पूरे घर में मेहंदी 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 कर रखी है, तो वैसे ही डांट रही हैं बहुत देर से। ऑलमोस्ट काम खत्म हो गया था, बस थोड़ा सा बचा था, और इतने में पापा नमाज पढ़ के भी आ गए ईद की, तो एक ग्लासेस वगैरह के मैं भाग गई ईद मिलने। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही थी, ईद मुबारक मार। और यहाँ पे अतूफा की कुछ अलग प्रिपरेशंस चल रही हैं, डेंटिंग पेंटिंग, और मन्नू हमारा सो रहा है। तो फिलहाल मैंने, मतलब मैं नहा ली हूँ, और मैंने अपने ईद का जोड़ा निकाल लिया है, उसकी चूड़ियाँ एंड ज्वेलरी निकाली है, और मैं बस अभी जा रही हूँ शाही टुकड़ा बनाने, एंड मुझे रुखसार के पास भी जाना है, ओखला शाही से भी मिलना है, नसीमा से भी मिलना है, शाम को सबने घर भी आना है, तो मैं सोच रही हूँ कैसे मैनेज करूँ। 10:30 हो रहे हैं और मेहंदी भी नहीं रची है फिलहाल मेरी ज़्यादा। चलो शुरू करते हैं शाही टुकड़ा बनाना। तो सबसे पहले हमें चाशनी बनानी है, तो मैंने पानी रख दिया था जिसमें बहुत सारी चीनी डाली, और फूड कलर भी ऐड किया था ताकि वो ऑरेंज हो जाए, और इलायची भी बहुत सारी ऐड कर दी थी। तो यहाँ बन रही है चाशनी, साथ ही साथ मैंने एक मतलब दूध उबालना स्टार्ट किया, क्योंकि हमें बनानी है रबड़ी, और दूसरे कढ़ाई में मैंने घी को गरम करा है जिसमें ब्रेड तली जाएगी, डीप फ्राई होनी है ब्रेड, तो इसी तरीके से। और हमें रबड़ी बनाने के लिए खोया भी ऐड करना है, तो ये कुछ प्रोसेस है, और अच्छे से बताऊंगी तो ये फूड ब्लॉग हो जाएगा। अरे दीवार पे नहीं चिपकाना है, मिठाई में चिपकाना है।
बोलो कैसे ले और क्या तो मेरा हो गया खा ले अब इसे इसका क्या हाँ खाते मीठा होता है बच्चे से अच्छे से मिलवाती अभी मैं खुद नहीं तैयार हुई हम अच्छे ही हैं मिलवाती क्या तेरे पास है आराम से खोलना था ना मेरे पास नहीं है कच्ची नहीं है इसमें अभी दे दूं धोके ये होता है जब हम निकलता होता है पर्दे से ही करती हूं अरे पर लग गया उसके उसकी आवाज को क्या हुआ लग रहा है जामा मस्जिद वाला ये लग रहा है जामा मस्जिद जामा मस्जिद लग रहा है ये हमारा सूट और ये है ज्वेलरी ये अच्छे लग रहे हैं ये रहा इसका सेट बहुत प्यारा लग रहा है ये सेट पूरा सेट तो हैवी लगेगा मुझे ऐसा लग रहा है और लहबा ईद कैसे जा रही है अभी तो शुरू हुई है अभी तो शुरू हुई है मैं भी गई नहीं तो आई हूँ सीधी बताओ सीधी है यहाँ और हमें देख लो जरा इतनी बुरी जगह से खाने और ये अच्छी लग रही है मेरे ऊपर बाली चांदी की ऐसे कोई ऐसे में हैंड स्मार्ट नहीं लग रही हैंडसम लग रही हूँ बस कर जा मेरे बाल अजीब से हो रहे हैं शकल भी अच्छा कोई बात नहीं जाओगी मेरे साथ ही सुबह वॉक पे भगा दूंगा नहीं जोर से जोर से चटनी वाला तीन वो जो लाई थी तीन पर वो बेड में तो नहीं है अगर बेड बोला तो सारे खराब जाएंगे तो फाइनली अब मैं तैयार क्या लग रही हूँ मैं रिंग लाइट में तो कुछ और खैर फाइनली अब अम्मी प्रेस करें कपड़ों पे और मैं तैयार हो जाती हूँ तो फटाफट ट्रांजिशन कर लेते हैं आई एम रेडी और मैं अपने बालों में ये जिप्सम जिप्सी जो भी है जिप्सम फ्लावर्स लगा रही थी मैंने बाल आगे इसलिए कर रखे हैं क्योंकि मेरे यहाँ पे लगी हुई है वो स्वेलिंग दिख रही है बहुत ज़्यादा तो मेकअप से नहीं छुपी तो मैंने बाल आगे कर लिए हैं सूखा कलर को चला गया तो आज मैं पटियाला शलवार पहनी और इतनी खूबसूरत सी चूड़ियाँ अभी फिलहाल तो मैं पापा का वेट कर रही हूँ मुझे पापा के साथ फ़ोटो खिंचवानी है पता नहीं कहाँ गए हैं सुबह से आज तो घूम ही रहे हैं वरना तो हर ईद पे सो जाते हैं अदीबा बड़ी सो रही है आज अभी उसकी दोस्त आई हुई है सब बातें शातें कर रहे हैं वो डिसाइड करें कहाँ जाना है अतूफा उनका मेकअप कर रही है अदीबा का तो अतूफा भी कहीं जा रही है उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है अम्मी भी तो मैंने सोचा मैं ही थोड़ा कर लूँ लिपस्टिक भी नहीं लगाई है मैंने अभी खैर सही कलर आ गया मेहंदी का वैसे ये आगे वाली को छोड़ें तो दस्तरखान बिछ चुका है दीवा की फ्रेंड्स आ गई है ईद की शुरुआत इन्हीं लोगों से होती है खास क्या हो रहा है व्लॉग में आएंगे अब सारे फोन आ रहा तानिया का ये ना मैंने कल जल्दी बाजी में खरीद के लिया है ऐसे कैसे हो गई मैडम रेडी यही सूट पहनने की जा रही है ये देख किसके कपड़े रखे हैं पीछे मेरे साथ भी फोटो खिंचवा लेना और तैयार हो जा मैं चाचे के घर से आ रही हूँ तैयार हो जाइए जरा मैं ईद नहीं मनाती मैंने तैयार हो गई वो बर्तन धोने भी रखी गई है सर रोज रख के ईद नहीं मनाती चलिए तैयार हो जाइए कहीं घुमा लाऊंगी खोलो सांस चढ़ गई इतनी अच्छी धूप आ रही है फोटो नहीं आ रही जूप अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम ईद मुबारक मम्मी ने रात बना रही थी वो लग गई जली नहीं है और उसमें लगने की आ रही बहुत तेज तो याद गाजर कलर कह रही कलर चेंज हो गया तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा हाँ मैं ये तो कह रही ये तो मौसम मौसम की वजह से हो गया होगा ये ऐसा गोल लेकिन कलर खाने में डर सकती है वही है पूरी ले एक बार में बेच रहे थे साइकिल पे मतलब मैंने देखा था साइकिल से ही नहीं था शायद बोले क्या थी
तू भाई ठहरा। सेम है मेरी की चेंज हो गई। अतुबा एक बार में लेना था तुझे। हाँ खराब कर दिया मेरी ना, जब मैंने बोला था ना हेलो तो चेंज किया। हाँ चेंज हो जाती है, कहाँ मिलेंगे बाबा का तो मैं दो मेरी दोस्त लाई थी इसके बाद चेंज हो गई थी। बाबा कह रहा था अरे मैं कुछ कह रहा धूप में अच्छे लग रहे हैं, फोटो अच्छे हैं। तो अब मैं जा रही हूँ शबाना से मिलने, मतलब शबाना के पास जा रही हूँ। तेरे को उठने चाचू ने फोटो खींचे इतने सारे इतने प्यारे प्यारे, बस मिल जाए शाम तक। मुझे राहिबा के दोस्त आई हुई थी वो भी चली गई, राहिब भी अपने दोस्तों के साथ चला गया। सुंदर लग रहा ईद मुबारक। चूड़ियाँ क्या गमले ही गमले एस्थेटिक के, वो भी गमला उसका तो वो भी ऐसे है ना ये लड़का गाने गाता है, बनाता है, गाने बजाता है, गाने बजाता है। बिरयानी खा लो, खिला दो। वो आ गई, उसे खिलाओ। वो वीडियो बन रही है ना, ऐसे लड्डू बना के थोड़ी दीदी दे दो यार, बड़े हो तुम क्या बदतमीजी। ये तू केक लगा देना पहले ही बता, ये कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है, छपरी तो नहीं लग रही ना। पहली बार पहनी मैंने बाली, मतलब मैं वो पहनती हूँ नोज पर। सही पहन ले बड़ी बजा ही। तो भाई कैसी जा रही है? मैं ना तीन राउंड खीर खा चुकी हूं। बढ़िया बढ़िया, मस्तार मस्तार मस्तार। आओगी तुम शाम को मेरे घर? आज नहीं तो कल आऊंगी। आज नहीं तो चल दिया होता, आज आओगी क्या? को ये बंदा व्लॉग नहीं बना, इसको सारी अटेंशन चाहिए व्लॉग बनाते टाइम। ने आज ट्रेनिंग करा और गिर गई मैं। कुछ तो कर ले लाइफ में, रिकॉर्ड नहीं हो रहा क्योंकि इसमें स्टोरेज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ईद मुबारक मेरी तरफ से सबको। अब बज रहे हैं 7 और ये एक पागल लड़की हमें परेशान कर रही है। इब्रोजी क्या भूत बन गई हूँ। तो मैं अभी अभी तैयार हुई हूँ और मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा मेरी तबीयत खराब हुई थी बहुत। इब्रोजी की डांट खाने के बाद मैं फाइनली तैयार हुई, तैयार होने के बाद मैंने रील बनाई और घर पे ही बैठ गई क्योंकि मेरी दोस्त ना आती है ना मैं जाती हूँ। और ये इतने हमें इम्पोर्टेंट समझती नहीं है कि ये हमारे साथ घूम ले। मैं कल जाऊंगी चाची घर, मैं कल जाऊंगी। कल वाले व्लॉग में मैं आपको जरूर दिखूंगी, अभी हम आगे की मस्ती कब जारी रखते हैं। आगे पतली हो गई 2 मिनट में। मैं नहीं खाया, मैं चाची घर। अम्मी मीठा ज्यादा खा लिया, दिमाग पर असर हो गया इनके। ऐसी चला ले दिमाग पर असर हो गया। अम्मी ईद मुबारक तो बोल दो सबको, ईद मुबारक। अम्मी बोलो But do I look in this look, Mr. Armstrong? बकवास। ये क्या ढूंढ रहे हैं? अब बच्चों चलो यार, मेहमान आने वाले हैं, तुम्हारे तो ड्रामे ही खत्म नहीं होते। बाहर खींचो हमारे फोटो। हाय। ईद मुबारक।
आसमान को लेते हुए पागल लड़की मनु फ्रॉग में पगली अगर चेहरे पर रुमाल भी लगा लो तो लोग मुझे मेरी दिखाई। खाने का दिल कर रहा है तुम्हें, किसी को खिलाने का दिल कर रहा है? मेरा मन ही नहीं कर रहा, क्यों इतना सुंदर बना रहे, कह रहे चम्मच डालने का जी नहीं कर रहा मेरा अब इसमें। तो रियल बनेगी, पहले खाना खा लो। अरे बाप रे, ये क्या अंधेरा तो नहीं? चमकी चमकी नहीं नहीं, आ जाओ जो ये क्या बना रहे हो? सारे लोग अलग अलग करो, कत्ल करो उसके दिल। शाही टुकड़ा मैं ला रही हूँ, और प्लेट ला रही हूँ। जो चीज दिख रही है उसको मैं खाने की हिम्मत नहीं करता मैं। नहीं नहीं प्लेट लेके आ रही हूँ। और नहीं नहीं ऐसे में ही खाएगा। हाँ देख लो, ये देखो रिव्यू देसी घी का बना, भाई हम नकली घी नहीं खाते, देसी घी घर वाला एकदम। तुम देसी घी नहीं खाते क्योंकि तेल में नहीं बनता ना, घी में ही बनता है। अच्छा सही है। कल इनके घर जाऊंगी, क्या खिलाओगी तुम मुझे? हाँ क्या खिलाओगी? मैं शामी कबाब और क्या खाना है? बस मैं वही खा लूंगी, बस दो खाओ घर जाओ। जा रहे हो? हम जा रहे हैं, हम जल्दबाजी में, बहुत जल्दबाजी। आएंगे कल आना, ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए क्या? मेरे घर के लिए। अच्छा ईद पे तो, ईद पे तो सिर्फ ये चलता है है ना रुक सा? हाँ चलो देखो, बेरोजगार लोगों के दोस्त फैशन शो की बोलो। रच गई वैसे, मुझे लग नहीं रहा था रचेगी। सुबह 5 बजे तक तो ये कर रहे हैं। खोलना है पकड़ियो, एक बार निशा वाले भी केक खोलते, तभी डाल रहा ठूसो ठूसो और ठूसो। ये देखो ना बाउल लेके बैठ गए, ये वंश पुल के श्रुति सबके हिस्से का बाउल अकेले लेके बैठ गए। ये पूरी खीर खाएगा वंश, ये इसकी हाँ, ये वंश का है, ये पूरी श्रुति का है। बोलो कुछ कहना चाहते हो तो तब तक निकाल लेंगे। वाह अभी मम्मी आ जाए तब काटेंगे केक। हाँ ये निशा ने भेजा है चीज केक, ब्लूबेरी। अरे नाम रखना पड़ेगा लाला। अब नया ऑब्सेशन है, नहीं ये तेरा नया ऑब्सेशन है। कुछ ऑब्सेशन है, पता चलेगा। कैंडल है तेरे ऊपर, कैंडल कार्डर रखी है इस पर, कैंडल कार्डर बहुत सारे। मेरी मम्मी बनी है क्या पूरे घर में मोमबत्तियां और रखी है। सबसे ज्यादा एक्साइटेड है श्रुति की, वो आए गए। हां कॉपीराइट आया और वीडियो पर हाय फोटो भी तो खींच लो, क्या खिंचवाने आया? मैं खिंचवाने आया? अच्छा तुम तो कह रहे थे व्हाइट कुर्ता पहन, कुर्ता पहन के आऊंगा। ये तो कुर्ते वाली शर्ट है, मैं ऐसे खुशी खुशी में मैंने असद को बोला ये देखिए कुर्ता, ये भी कुर्ता पहन के आएगा, तू नहीं आता कुर्ता पहन के। आज ही मेरे लिए पहली बार इतने गिफ्ट लेके आई,
ये तुम सब में आ जाता है ये पुल के ये देख हम सब क्या आदत है वो भी कुछ आया कर देता है देख तुम्हें तुम्हारे काटने पड़ेंगे बात किससे करोगे ये भी है गूंगे हैं बेचारे ये बजरंगी भाई आ जा आ जा ये बिल्ली से वो मिला के लाया कपड़ा ये मरने जैसे अब चलो बहुत हो गया हमारी फोटो खींच दो आ जाओ नीचे बाय बाय सुरक्षा के लिए जा रहा मेरी इसे हेलमेट में लगा रहा हूं मैं उनका बस कुछ बस हर हर जगह में आप क्या होंगे ये मोबाइल पर तो ये आ गए हां बोलो मोबाइल अभी नहीं जाने दूंगी मैं सच्ची लेट हो रहा है मेरे को खाना खाना है समझ ले मैं आ जाऊंगी आ जा चलो फोटो खिंचवा दे ऐसे मिलते हैं इधर को देख के वो भी मैं तो थक गई फिजा को छोड़ के आई नीचे तक अब मेरे घुटने में दर्द होगा ऊपर चढ़ने में क्यों है ऐसा क्यों बकरा ईद पता नहीं यार मेरे को पता नहीं या तो वो आ नहीं रहा कि मीठी ईद पे कैसा दिन निकलता है अजीब कुछ हो रहा है जबकि आज सबसे ज्यादा अगर मैं इसी ईद पे घूमी हूँ तेरे घर चली गई चाचा घर गई सुभाष्मिता भी घर आ गई सॉरी शबाने घर गई हमारे घर गई फिर घर पे भी इतने सारे लोग आ गए एक के बाद एक और जिन्होंने नहीं आना था वो नहीं आए वो सबके बहाने हैं मेरे को बस पता है मुझे पर खैर कोई बात नहीं और ये फिर आ गया मेरे घर सुबह आए नहीं तब हम थोड़ी खचरी हालत में थे अब थोड़े ठीक हो गए थोड़े बेटर लग रहे हैं अभी तक 12 नहीं कितने बजे 10:50 दो बजे में तैयार हुई थी ऑलमोस्ट 9-10 घंटे हो गए मेरे को मैं तो 12 बजे से हूँ तू तो तेरी शक्ल उतरी गई 10 घंटे हो गए और अभी हमने फोटो नहीं खींचे हैं साथ में ना घर वालों के साथ ना इसका मेरा ना अदीवा तूफा के साथ मेरा फोटो ही नहीं है मतलब घर वाले तो व्लॉग में भी नहीं आ रहे मैंने सोचा पापा ने ब्लैक कुर्ता पहना अच्छी फोटो खींचेंगे बस पापा कुर्ता ना चेंज करे अम्मी ने तो कर दिया मैं पापा के साथ खींचूंगी बहुत सॉफ्ट है ना एक्सट्रीम लाला लाला ला वैसे भी लाला है और ये वैसे भी लाला है और लाला जी शाले गुगू क्या कहने आए हो आप क्या कहने आ रहे हो मेरे पास वैसे तो आते नहीं हो अरे अस्सलाम वालेकुम हम भी नहीं मिले वैसे ईद मुबारक पर्पल मिक्स हो गए दोनों तुझे पता मैंने क्या क्या था तूने बोला था ना तभी देखो मेरी मेहंदी सबसे अच्छी अरे माशाल्लाह डिजाइन है ऐसा काम मेरे हाथ कितने प्यारे लग रहे छोटे छोटे आशीर्वाद देने वसीम की नहीं आया यार वसीम थोड़ा चला गया धोखे बाद एक गुलाबी हो जाता है हमारा एक तो घर शाम को गपशप कुर्ता नहीं चेंज करना पहले फोटो खिंचवा लेना ये खाना है ना शबाना को मैंने कोई रील नहीं बनाई अब बनाती मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है इतनी थक चुकी हूँ बिकॉज मैं पूरे 48 आवर्स से मतलब जागी हुई कभी तो बॉडी गिव अप करेगी अरे मेरी आईज गिव अप कर रही है नहीं मैंने अपनी लाइफ से गिव अप कर दिया अरे यार एक अतुफा कटोरी लाई हो मैंने सही में कुछ नहीं खाया तूने भी नहीं खाया ना खा ले भाई तेरे घर पे वही बस छोले जरा से खाते
ये सुबह शुरू से लेके आई है, इसका नाम लाला। अभी जो सामान है, जो सामान है बताओ, डर में बहुत साफ सुथरा लगता है। तो आप और आपकी बहना इसको तुम्हें क्या, इससे तो लेना है मुझे बाजी। ओह माय गॉड, आज क्या हो गया, मैं सो नहीं पाऊंगी। एक काम कर, एक काम सुन, नहीं बहुत प्यारे क्यों हो गया, इससे अच्छी मेडिसिन क्या हो सकती है। वो एक काम कर, नहीं यार वापस रखो, हार्ट अटैक है, मुझे चाहिए ये हार्ट अटैक दे दे। तू बाज गया, कर लूंगी कुल्फी की लाई थी ना कल, याद है भूल गई। कुल्फी दे दो यार, वो कहाँ गया, वो नोट कहाँ गया, मैं नोट का इंतजार कर रही हूँ। मैं खाना नहीं खा पा रही हूँ, कुछ अलग से नहीं होता ना मन्नू, है ना, मेरा प्यार बिल्कुल झूठा नहीं है। इतनी ज्यादा मुझे भी मिल रही है, जॉब बहुत ज्यादा अच्छी करते ताकि आप और ज्यादा ईदी दे अगली साल। ये तो है, आमीन। बस मालूम होना चाहिए, मैं तो 6 करोड़ ऊपर चढ़ाएगी इसी जॉब को। काम कर रहे हैं ना थोड़ा, आज वो एक पॉइंट कर दो, चल नेटफ्लिक्स से। ओके चलो, दैट वॉज इट फॉर द ब्लॉग। मतलब आई एम टायर्ड लाइक हेल और एनी थिंग, बहुत, इट्स लाइक 48 hours आई हैवन्ट स्लेप्ट। बस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक ब्लॉग को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना एंड बताना आप लोगों की ईद कैसी रही। एंड अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग, सो विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टू दम बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।